सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से मार्केट मनसुना मार्केट से। अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और आजकल हम लोग आए थे गैड यानी कि मेरे मायके आए थे और यहाँ पे हम लोगों को लगभग 3-4 दिन हो गए हैं और आज मेरी हो गई और मेरे बच्चों की सभी की तैयारी है मेरे नानी गांव जाने की। मेरे नानी गांव का नाम है रांसी जो कि मधमेश्वर घाटी का लास्ट सेकंड विलेज है। तो यहां से देखें तो लास्ट सेकंड विलेज है रांसी और अगर वहां से शुरुआत करें तो मधमेश्वर घाटी का सेकंड विलेज है रांसी। तो हम लोग रांसी जाने वाले हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट है नानी के गाँव जाने की। गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी थी तो काव्या और नैनो तो हो आए हैं अपने नानी के घर होके और अब मेरी बारी है अपने नानी के घर जाने की यानी कि ये दोनों भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो अभी आज पहली बार ना हम लोग गैड से हो गया मतलब मेरे मायका है गैड में तो वहाँ से और हम लोग मनसुना तक आज पहली बार मैं बच्चों के साथ पैदल आई क्योंकि ना तो पापा जी घर पर थे और ना तो भाई घर पर था तो इस वजह से पैदल आना हुआ हम लोगों का। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत से सफ़र में आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसा ही आज के हम लोगों का जो सफ़र है वो रहता है। बाकी फ़िलहाल जो व्यू है सामने का और जो माहौल है यहाँ का वो आप लोग एंजॉय कीजिए। गेट से क्योंकि हम लोग पैदल आए तो काव्या और नैनो ना दोनों थक गए हैं और इस तरह से देखिए बैग के ऊपर लेट रहे हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं आसमान में हल्के बादल लगे हुए हैं, चटक सी धूप भी लगी हुई है लेकिन आजकल पहाड़ों में बारिश नहीं हुई 2-4 दिन से तो फिर से ना थोड़ा बहुत धुंध बढ़ गई है। तो चलिए अब सफ़र में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मनसुना से हमें रांसी गाँव के लिए गाड़ी कितने टाइम में मिलती है। काव्या हाय हाय दोस्तों आज हम बूढ़ी के घर जा रहे हैं। हेलो दोस्तों आज हम बूढ़ी के घर जा रहे हैं। तो सामने दिख रहा है मनसुना मार्केट हो गया और मनसुना गांव जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है और ये जो ऊपर साइड है ये है गिरिया गांव। तो सुबह 10:30 बजे हमें मनसुना से गाड़ी भी मिल चुकी थी और बच्चों के साथ ना ज़्यादा वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला और आज ना हम लोग फ्रंट सीट पे नहीं बैठे बल्कि गाड़ी में पीछे साइड बैठे आज। तो बच्चों के साथ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए लेकिन बाकी का जो व्यू जितना मैं निकाल पाई तो कुछ इस तरह का रहा। अभी 11:30 हो गए हैं और हम लोग ना नानी के घर पे आ गए हैं और नानी यहाँ ऊपर इंतज़ार कर देंगे। नहीं करी प्रणाम ए बूढ़ी प्रणाम ए बाबा ला ए वो से का दी दपला
इना नहीं खरू हो बा। तो अभी दिन के 12 बज रहे हैं और हम लोग भी पहुंच गए हैं नानी के घर पे, और आते ही खाना भी शुरू हो गया हम लोगों का लंच जो होता है। और नानी सबको यहाँ पे खाना सर्व कर रही है, और लंच में बनाया है नानी ने दाल चावल। तो ये रहा वंशु, और ये रही काव्या, और ये रही नैनू, और हम लोग ना इस तरह से पहाड़ी किचन में बैठ के लंच कर रहे हैं। आप और ये ना मेरे नाना जी हैं। तो हमारा खाना थोड़ा जल्दी हो गया था, नाना जी गांव में गए हुए थे नीचे कहीं घूमने के लिए, तो नाना जी थोड़ा लेट से आए, तो नाना जी ने ना बाद में खाना खाया। तो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और हम लोग लंच करने के लिए ना नानी के घर पे आ गए थे। तो उसके बाद काफ़ी थकान हम लोगों को लग गई थी, तो काफ़ी रेस्ट हम लोगों ने किया, और लगभग 12:30 बजे हम लोगों ने लंच भी कर लिया था। बाकी अभी नानी गई है गौशाला, और छोटी मामी ना गायों के साथ जंगल गई हुई है, और जो वंश है मामी छोटी मामी जी का बेटा, तो वो भी खेलने गया है अभी मंदिर साइड में। तो बाकी घर देख सकते हैं आप लोग, एक तो ये वाला घर है जो पत्थरों से बना हुआ है, ये पुराना घर है नानी का, और यहाँ पे ना इस यहाँ नीचे वाले कमरे में ना खाना बनाते हैं, और ऊपर ऐसा राशन पानी वगैरह रखते हैं। तो बाकी जो पीछे वाला मकान है सीमेंटेड, जो कि आजकल रहते हैं, तो वो भी है एक मकान। तो यहाँ पे काव्या ना झूला झूल रही है, जो कि वंशु के लिए लगाया गया होगा, तो ये भी यहाँ पे मस्त से झूले का मज़ा ले रही है। और नैनू ना बार बार पानी से खेलने के लिए बाथरूम की ओर जा रही है, ये देखिए अभी भी बाथरूम में ही गई हुई है। तो मौसम आप लोग देख सकते हैं, चौक पूरा गीला हो रखा है, यानी कि हल्की सी बारिश भी हो रही है, मौसम पूरा पैक हो रखा है। तो बाकी आप लोगों को रांसी जो गाँव है मेरा ननिहाल, यहाँ के थोड़े नज़ारे आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी सुंदर सा गाँव है। मजा आ रहा है, हाय दोस्तों करो, सभी के लिए हाय करो, हाय करो सभी को, हाय हाय, ऐसे पीछे हो क्या करते हैं हाय। और नैनू की तैयारी है, यहाँ पे नैनू बार बार नीचे की ओर जा रही है, इसको ना गौशाला जाना है, नानी की गौशाला, और नानी की गौशाला ना वहाँ उस साइड है, काफ़ी दूर है। तो क्योंकि बारिश हो रही है हल्की सी, तो अभी हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो गौशाला का ट्रिप हम लोग कल करेंगे। ओए ओए ओए, मजा हूँ नहीं आ रहा है, तब आता मजा। मामा बोल, नानी आ गया।
अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मौनसू भी ना मंदिर साइड खेलना गया था तो वो भी वापस आ गया है घर को। और अभी यहाँ पे काव्या और नैनो के साथ यहाँ पे खेल रहा है। काव्या और नैनो दोनों यहाँ पे झूला झूल रहे हैं और बाकी नाना जी भी रोड साइड घूमने के लिए गए हुए थे तो नाना जी भी वापस आ गए हैं घर। और चाय पीने के बाद नाना जी अपने रूम में चले गए हैं आराम करने के लिए। बाकी नानी और मामी जी अभी दोनों नहीं आए हैं तो देखते हैं वो लोग कब तक आते हैं। बाकी इस तरफ आप लोग देखिए पहाड़ी में ऊपर काफ़ी बादल लगे हुए हैं क्योंकि अभी थोड़ा बहुत बारिश हुई तो इनका खूब मज़ा चल रहा है यहाँ पे। मेरे काव्या ने अपनी नानी के यहाँ पे इतना एंजॉय नहीं किया जितना कि मेरी नानी के यहाँ पे इतना एंजॉय कर रही है। देखिए तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी मेरे ननिहाल में खूब एंजॉय कर रहे हैं। और ये रहा मांशु, मांशु हाय करो हाय। और काव्या को तो अलग ही ड्रामे चल रहे हैं यहाँ पे। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और नानी हो गया और मामी जी दोनों अभी गौशाला से नहीं आए हैं क्योंकि गौशाला का बहुत सारा काम निपटाना होता है तो वो लोग अपना काम निपटा के ही आएंगे। बाकी मौसम फिर से पैक हो गया है और हल्के से ना बादल भी गरज रहे हैं और बारिश होने को है तो पूरा अंधेरा सा जैसा माहौल हो गया है। बाकी काव्या और नैनो ना बहुत सारा इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी सारे मज़े ये पहले दिन से ही करना इन्होंने शुरू कर लिया है। और इनके खेल देख के मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। और वंश भी यहाँ पे लगा हुआ है तो नानी जी लोग तो अभी आए नहीं हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक नानी लोग आते हैं हम लोग थोड़ा जो पहाड़ी चूल्हा होता है उसमें थोड़ा आग वगैरह जला लें। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।